हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत और एकदम नया प्लाजो पैंट डिजाइन। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने अपने प्लाजो में से एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने लगभग 2.5 इंच रखी है और इसकी लंबाई मैंने 6.5 इंच रखी है। अब हमने इसको ऐसे मोड़ते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, एक साइड से हम इसको बंद करेंगे और फिर हम खुले वाली साइड पे ऐसे सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगा ली, इसके बाद में हम इसको कोई भी पतली चीज़ से सीधा करेंगे। तो देखिए, मैंने ये छोटा ही कपड़ा लिया है। आप चाहें तो एक लंबा सा कपड़ा ले लें और उसकी ये पट्टी बना के तैयार कर लें, तो आपकी जो मेहनत है वो कम हो जाएगी। अलग अलग आप बनाएंगे तो मेहनत ज़्यादा लगेगी। बस ऐसे बना के प्रेस कर लेनी है। तो इसी तरह से मैंने ढेर सारी पट्टियाँ बना के रख ली हैं, आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप लंबा कपड़ा लेके बनाएंगे तो जल्दी बन जाएंगी। अब हमने ये अपने प्लाजो में से फिर से एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है और इसकी उल्टी साइड में मैंने कैनवास पेपर चिपका लिया है प्रेस से। इस पेपर की जो चौड़ाई है वो मैंने 5.5 इंच रखी है। आप इस डिज़ाइन को 4 इंच में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने पट्टी बनाई है इनको ऐसे रखेंगे और किनारी पर हम सिलाई लगाएंगे। कुछ नहीं करना है, सीधी पट्टी रखते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रखना है जो पट्टी में सिलाई है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए। ये देखिए, ऊपर की तरफ फिनिशिंग से दिखनी चाहिए, नीचे की तरफ सिलाई आ जानी चाहिए। जब पट्टी बना के आप प्रेस करेंगे तो सिलाई को नीचे की तरफ करते हुए प्रेस करना है। अब दूसरी साइड में भी बस ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी दोनों साइड में सिलाई लग चुकी है। अब जो भी एक्स्ट्रा पट्टी है इनकी हम कटिंग कर देंगे। तो ऐसे उल्टा रखना है और फिर कटिंग करनी है। पेपर के बराबर आपको कटिंग कर लेनी है। अब हम बॉटम लेंगे और इसको इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखेंगे डिजाइन को, और इस पे हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो जो हमने पट्टी अटैच करती समय सिलाई लगाई है उस सिलाई को दबाते हुए सिलाई लगानी है, और ऐसे पलट के इस पे हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, तो ये इस तरीके से रेडी हो गया है। अब नीचे की साइड से फिनिश करेंगे। तो नीचे लगभग 1.5 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है और नीचे की तरफ ऐसे रखते हुए हमने इसको अटैच कर लेना है। अब हमने इसको ऐसे मोड़ना है यहाँ से, और ऐसे पलटते हुए हमने इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो जो हमने पहले सिलाई लगाई है उस सिलाई को दबाते हुए हमने ये वाली सिलाई लगानी है। तो ऐसे फिनिश हो गया है। अब हमने इस पे डिजाइन बनाना है। तो डिजाइन के लिए मैंने यहाँ पे डोरी बना के तैयार की है। इस तरह की डोरी बनाना आपको नहीं आता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे दूंगी, उस वीडियो को देख के आप ये डोरी बनाना सीख सकते हैं। बहुत सारी वीडियो मैंने डाली हुई है डोरी बनाने की, तो उनमें से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही आसान ये डोरी बनाना। और अब हमने डोरी को ऐसे डालना है, एक पट्टी ऊपर और एक पट्टी नीचे। इस तरीके से हमने लेते हुए डोरी डाल लेनी है। फिर हम दूसरी डोरी डालेंगे। जो पहले हमने नीचे रखी है उस पट्टी को ऊपर लेंगे, और जो पहले ऊपर रखी है उसको नीचे लेते हुए दूसरी डोरी निकाल देंगे। तो ऐसे ही हमने रिपीट करते हुए बाकी डोरी डाल लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इसमें 4 डोरियाँ डाली हैं, आप देख सकते हो। 4 से 5 डोरी मैंने यहाँ पे डालनी है, 5 डोरी डाली है मैंने। अब जितनी दूरी है डोरी की जहाँ पर हमने रखनी है उतना निशान लगाते हुए हमने इन पे साइड में सिलाई लगानी है, क्योंकि इससे हम डोरी को टाइट करेंगे तो अपनी जगह पे डोरी बिल्कुल सीधी रहेगी। तो जैसे हमने इसमें 5 डोरी डाली हैं तो उनमें कितना कितना गैप आएगा वो ध्यान में रखते हुए हमने ऐसे सिलाई लगानी है। ये देखिए, तो ये सिलाई लगा ली। अब हम दूसरी साइड में डोरी को थोड़ा सा टाइट करेंगे, हल्का सा। और जैसे हमने उस साइड में निशान लगाए हैं सेम ऐसे ही इस साइड में निशान लगाते हुए इस साइड में भी हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, ऐसे खींचते हुए। तो ये लीजिए, यहाँ पर भी सिलाई लगा ली।
अब यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा डोरी है वो मैंने कट कर दी है, तो ये डिजाइन हमारा कुछ ऐसे रेडी हो गया है। आप देख सकते हो ना कितना प्यारा लग रहा है हमारा ये डिजाइन। अब हम इस पे फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे और पहनने के बाद में कैसा दिखेगा मैं आपको दिखाती हूँ पहनकर। तो ये मैंने फिटिंग वाली सिलाई भी लगा ली है और पहनने के बाद में हमारा डिजाइन कुछ इस तरीके से आएगा। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ना हमारे डिजाइन, और एकदम नया डिजाइन है, बहुत ही खूबसूरत लगता है पहनने के बाद में। तो आप इस डिजाइन को अपने प्लाजो, अपने ट्राउजर पे एक बार जरूर ट्राई करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, उससे आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आपने अभी तक मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।